Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक बाइक ही है। अच्छा, वैसे तो हमने बहुत अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स के टॉपिक को कवर किया है और डिफरेंट बाइक्स आपको दिखाई हैं। आज हम कंपैरिजन करेंगे दो बाइक्स में जो कि दोनों इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। एक सुपरस्टार की इलेक्ट्रिक बाइक है और एक है रोड किंग की। तो ये मैं आपको बता दूँ, अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ, हम रीगल पे हैं, मेन सदर पे, रीगल की जो मोटरबाइक्स मार्केट है। और यहाँ आप देख सकते हैं सामने निपॉन ऑटोज़ है। यहाँ आपको डिफरेंट हर तरह की बाइक मिल जाती है, चाहे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बाइक हो कोई भी या फिर नॉर्मल बाइक भी मिल जाती हैं। तो अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया सुपरस्टार की हम बात करेंगे बाइक की। अच्छा, सुपरस्टार की आप बाइक देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसका बाकी इलेक्ट्रिक बाइक के मुकाबले में। वैसे तो ऐसा छो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा नया कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें नीचे से इंजन वगैरह, मीटर अगर आप देखें इनका, तो इन्होंने बहुत ही सोबर और उस तरह का मीटर, डिजिटल मीटर दिया हुआ है। वो अलग बात है वो कलरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा लुक है, छोटा सा और बहुत ही साफ़ सुथरा सा मीटर का लुक मिल रहा है। ये देखें आप, इसकी साउंडलेस इसमें अच्छा, अगर इसको हम कह सकते हैं कि स्पीड दे रहे हैं आप, रेस्ट बाइक चला रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई बाइक चल रही है, कोई साउंड नहीं है, साउंड नहीं है इसका उस तरह का इंजन का, ना तो कोई साइलेंसर की आवाज़ है। सबसे पहले इसकी अगर मैं बात करूँ तो भाई ये मेन हमें मिल रही है बैटरी, इसमें आती है लियोन बैटरी। ये देख रहे हैं आप, इस तरफ चार्जिंग इसका सॉकेट है और लियोन बैटरी आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बैटरी कहलाती है। ड्राई जेल और भी दूसरी आती हैं लिथियम ऑयन, लेकिन ये लियोन जो बैटरी है इसमें आपको सिर्फ 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है, जो कि एक बहुत कम टाइम है। और फिर अच्छा, नेक्स्ट आपके जहन में आ रहा होगा अगर कितनी देर 2 घंटे में चार्ज होने के बाद ही चलेगी, तो भाई 2 घंटे चार्ज होने के बाद ही आराम से आपको तकरीबन 100 किलोमीटर तक चार्ज, 100 किलोमीटर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चल सकती है। तो ये जहन में रखेंगे, 2 से 2.5 समझें, 2 घंटे मैं नहीं कहता है बिल्कुल, क्योंकि 2 घंटे तो कंपनी क्लेम कर रही है, 2 से 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ये फुल चार्ज हो जाती है और आराम से 100 किलोमीटर चल सकती है। उसके अलावा आप इसका अगर डिज़ाइन की हम बात करें तो पीछे आप देख रहे होंगे जैसे कि इसमें आपको अलॉय रिम्स मिल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती आ रही है उसकी वजह से। उसके अलावा अगर देखें तो डिस्क ब्रेक भी है, अच्छा इसमें फ्रंट टायर पर डिस्क ब्रेक मिलता है। और यहाँ से मैं अगर इसका लुक देखूँ तो बस ये एक देखा जाए फ्यूल टैंक ने एम ही दिया हुआ है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। फ्रंट से अगर आप इसकी असेंबली देखें वो भी काफ़ी ब्लैक कलर में खूबसूरत असेंबली है। मीटर मैंने आपको दिखा दिया, इसका डिजिटल मीटर मिल रहा है आपको, उसमें सब आ जाता है कितनी स्पीड तक जा रही है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 90 तक है। ये आप देखें इस तरफ, तो ये आप इसमें अगर आप फास्ट चलाना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, और अगर इसको नीचे की तरफ रखते हैं तो ये थोड़ा सा हल्का चलेगी बाइक। तो इस हिसाब से इसकी स्पीड 80-90 तक अगर जाती है, जो कि एक अच्छी स्पीड है। बाकी इसमें सब चीज़ें मोटर की अगर बात कर लें तो 1500 वाट की मोटर लगी हुई है। बाइक अच्छी है, रेट बहुत ज़्यादा है, रेट की बात कर लेते हैं। रेट तकरीबन अभी इसके करंट 2,60,000 के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं एक यही कहूँगा कि इस तरह के पैसे इन्वेस्ट करते हुए बंदा सोचता है। अब देखते हैं कि किस तरह की कामयाब है, लोग ज़्यादातर अभी तक इतनी मार्केट में नज़र आई नहीं है। तो गाइस, सुपरस्टार की बाइक के अलावा जो दूसरा हमारे पास कंपैरिजन में ऑप्शन है वो है रोड किंग की इलेक्ट्रिक बाइक, और ये आपके सामने देख रहे होंगे आप। इसमें अच्छा इसकी शेप थोड़ी सी है, अगर देखें आप जहां मोटर इंस्टॉल होती है इसकी, वो थोड़ा सा डब्बे सा इन्होंने लुक दिया हुआ है ब्लैक कलर से। रोड किंग का लोगो भी उधर लगा हुआ है और ई पावर का साइन लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा एक वो जो सुपर पावर वाली सुपर स्टार की बाइक में लुक आ रही थी इलेक्ट्रिक बाइक में, वो इसमें लुक आपको नहीं आ रही, क्योंकि बॉक्स का शेप थोड़ा सा ये और अच्छा कर सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं किया। उसके अलावा अगर हम उसकी बॉडी देखें तो बहुत हद तक सेम वैसी ही है। ये देखें आप, टैंक दिया हुआ है फ्यूल टैंक, जो कि काम का नहीं है, मगर वो और कुछ जगह को यूटिलाइज़ किया नहीं गया। स्टिकर्स भी नॉर्मल बाइक्स की तरह ही हैं इसमें लगे हुए, और बैक के टायर्स की अगर, हाँ टायर्स में एक और चीज़ ये है कि आपको इसमें वो नहीं मिल रहा देखने को अलॉय रिम।
मीटर पे आ जाते हैं, मीटर इसका नॉर्मल बाइक की तरह ही है, जैसी नॉर्मल बाइक्स होती हैं ना उस तरह का अच्छा, लेकिन इसकी टॉप स्पीड 80 मेंशन की हुई है आप देख सकते हैं। और ये इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि चार्जिंग का भी नज़र आ रहा है, कलर्स में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि कितनी फुल है और कितनी चार्ज नहीं है, ये आपको पता चलता रहेगा 25% के हिसाब से उन्होंने बनाए हुए हैं ब्रैकेट। अच्छा, उसके अलावा ई वी लिखा हुआ है। और अब थोड़ी सी अगर हम इसकी लाइट्स वगैरह की बात करें, वो भी बिल्कुल ही नॉर्मल 70 वाली हैं, असेंबली इतनी ख़ास नहीं है, सिंपल है। बैक के टायर आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट हो गई है। अच्छा, साउंडलेस है बिल्कुल, ये भी उसी बिल्कुल उसकी तरह ही है, सुपर स्टार की बाइक की तरह ही, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साउंडलेस है। अच्छा, उसके अलावा अब इसकी बात करते हैं, इसमें हमें भाई मोटर कौन सी मिल रही है और बैटरी कौन सी है। इसमें ड्राई जेल बैटरी है जो कि चार्ज होने में थोड़ा टाइम लेती है, वो तो बहुत जल्दी 2 से 3 घंटे में चार्ज हो रही थी, ये वाली आपको भाई कम से कम भी 7 से 8 घंटे चार्ज होने में लेगी, जो कि एक अच्छा खासा टाइम है। तो ओवरनाइट है, समझे आप अगर रात को लगा के चार्ज करने सोते हैं, सुबह उठेंगे तो आपको चार्ज मिलेगी। उसके बाद ये तकरीबन ये भी 80 से 90 किलोमीटर तक की राइड आप इस पर ले सकते हैं। उसके अलावा इसकी टॉप स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, टॉप स्पीड इसमें तकरीबन जो हमें पता चली है वो 60 है, तो ये जहन में रखिएगा कि इसकी टॉप स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, ये स्लो ही चलेगी। जाहिर है दो लोगों के बैठने के बाद तो शायद 60 भी मुश्किल हो जाए। इसके अलावा टायर्स में इसमें आपको अलॉय रिम्स नहीं मिल रहे, और डिस्क ब्रेक भी जाहिर नहीं है, उसमें आपको अलॉय रिम मिल रहे थे, डिस्क ब्रेक था, तो उसकी वजह से उसके कुछ ज़्यादा बेनिफिट थे। इस तरफ से अगर इसको मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ से ये चार्ज होती है। उसके अलावा बाइक सही है, अच्छी बाइक है। प्राइस वाइज हम इसकी रेंज की बात करें तो भाई वो बहुत कम है, क्योंकि सुपरस्टार मैंने जैसे आपको बताया था वो थी 2,60,000 से 65,000 रुपये की, तो ये आपको मिल जाएगी आराम से 1,55,000 रुपये की। तो प्राइस में अगर हम कहेंगे तकरीबन आधा माध का फ़र्क है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको फ़ीचर्स भी पता चल रहे हैं कि फ़ीचर्स इसमें कम है, उसकी तरह इतने ज़्यादा फ़ीचर्स नहीं हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने प्राइस जस्टिफाई है इसकी इन्होंने रखी है। क्योंकि ज़ाहिर है अभी इलेक्ट्रिक बाइक है, इतनी तो होगी है, हमें आजकल नॉर्मल अगर हम 70 की बाइक्स देखें वो भी तकरीबन 1,00,000 के करीब हैं, तो इसमें तो भाई आपको पेट्रोल का ख़र्चा नहीं है, टेंशन नहीं है, तो उस हिसाब से इन बाइक्स की अगर प्राइस 1,50,000-60,000 रुपये है तो मेरे ख्याल से वो जस्टिफाइड है, और इंसान ट्राई कर सकता है। लेके सामने आप फ्रंट पे देख रहे हैं LED लाइट्स लगी हुई है इसमें, नॉर्मल हैलोजन बल्ब नहीं है। तो बस ये था कि अब आपके सामने बाइक है, रोड किक भी है और सुपरस्टार की भी है, जो आपको ज़्यादा पसंद आती है। आपका बजट अगर अच्छा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सुपरस्टार पे चले जाएँ, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी लो बजट हो और आपका काम निकल जाए, पेट्रोल के सर्विस से आप बच जाएँ, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है रोड किंग। इसके अलावा अच्छा जॉल्टा भी मिल जाता है आपको ऑप्शन, जॉल्टा की बाइक्स ये मिल जाती हैं इस शॉप पे, मैंने आपको बताया था कि निपॉन ऑटोज़ ये शॉप है मेन रीगल पे सदर पे कराची में। यहाँ अगर आप आएंगे तो तारिक भाई होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से डील करते हैं, यहाँ आपको डिफरेंट बाइक्स नज़र आएंगी उनके पास खड़ी हुई मिल जाएंगी, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप यहाँ आ जाएँ। और भी अगर मैं आपको बाइक दिखाऊँ, वो देखें सामने की तरफ खड़ी हुई है, रोड किंग की ही खड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक बाइक है। उसके अलावा जॉल्टा की इलेक्ट्रिक बाइक भी यहाँ मौजूद है, नॉर्मल दूसरी बाइक भी आपको सब तरह की मिल जाएंगी। तो अगर आपका इरादा बन रहा है बाइक लेने का और आप चाहते हैं कि आपको ऑप्शंस भी मिल जाएं एक ही शॉप पे, तो आप यहाँ निपॉन ऑटोज़ पे ज़रूर चक्कर लगाएं, और इंशाल्लाह ये कि आपको आपके मतलब की बाइक मिल जाएगी। और स्कूटीज़ भी यहाँ, अगर आपको मैं दिखाता हूँ, स्कूटीज़ भी यहाँ काफ़ी तादाद में अवेलेबल हैं। ये देखें, सुपर पावर की स्कूटी है, जॉल्टा की स्कूटी मिल जाएगी, उसके अलावा रोड किंग की भी स्कूटी मिल जाएगी, क्राउन वालों की स्कूटी है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की बाइक्स, स्कूटीज़ सब अवेलेबल हैं। तो गाइस, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी कोई अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक ढूंढ रहे हैं तो उम्मीद है इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन आपको पसंद आया होगा तो आप उसको फिर जाके चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। और बस आज की वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।